दृष्टवदानुश्रविकस्स दृष्टवदानुश्रविकस्स ह्यविशुद्धिक्षयादिशययुक्तः दृष्टवदानुश्रविकस्स ह्यविशुद्धिक्षयादिशययुक्तः तद्विपरीतश्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात् पहले दृष्ट उपाय से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती है ये कहा था। अब कहते हैं अदृष्ट उपायों से भी दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि कुछ वादी है जो मानते हैं इस लोक में पूरा सुख हमको नहीं होता है, तो परलोक जाकर के हम सुख को प्राप्त करेंगे, यानी यज्ञ याग आदि कर्म करेंगे उसके द्वारा पुण्य होगा, पुण्य से हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में जाकर के निरतिशय आनंद को प्राप्त करके स्थित हो जाए, ऐसे चिंतन करने वाले हैं, तो उसका भी यहाँ निराकरण कर रहे हैं। वहां ऐसा नहीं होता, इस श्लोक का अन्वय है आनुश्रविकः दृष्टवद ही सह अविशुद्धि क्षयादिशय युक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता अव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। इस प्रकार अन्वय करना, ये पुरातन श्लोक है, पुरानी शैली है, और जहाँ देखिए शंकराचार्य जी तक इसी श्लोक को पढ़े हैं, आप याद कर सकते हैं, इन्होंने उसी को पढ़ा है, तब बहुत जगह उन्होंने उद्धरण भी दिया इसका, तो इतने पुरातन है वो, और वो इसलिए श्लोक बनाने की तरीका भी कुछ ऐसे ही है, और शब्द प्रयोग भी कुछ विशेष है। दृष्टवद आनुश्रविकः, तो ये दृष्ट के समान है, दृष्ट का मतलब प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष उपायों से आप दुख निवृत्ति करते रहते हैं, जैसा भोजन के लिए आप भूख लग गया तो भोजन के लिए आप व्यवस्था करते हैं, तो भोजन के लिए खेती करते हैं, तो खेती करते रहते हैं क्योंकि हमको भोजन करना है, बार बार उससे दुख होता है, जब जब भूख लगती है तब तब दुख होता है, तब तब भोजन करना पड़ता है, उसके लिए खेती करना पड़ता है, तो ये उपाय आप करते रहते हैं, ये दृष्ट उपाय है किंतु ये नष्ट होता है, ये आप जानते हैं। तो बोलते हैं दृष्टवत दृष्ट उपाय के समान ही आनुश्रविकः, आनुश्रविक उपाय, आनुश्रविक मतलब श्रवण से प्राप्त, श्रवण से प्राप्त, वेदाध्ययन के द्वारा प्राप्त, गुरु पाठ गुरुमुख से जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं अनुश्रवः, अनुश्रव का अर्थ वेद है, आनुश्रविका मन वेद से प्राप्त, तो वेद से यज्ञ यागादि करना प्राप्त हुआ कि वर्षा नहीं होती है तो उसके लिए यज्ञ करो, पुत्र नहीं होता है
तो उसके लिए यज्ञ करो, जो जो आप चाहिए उसके लिए यज्ञ करो, स्वर्ग जाना चाहते यज्ञ करो, ये वेद से मालूम होता है। तो इसको कहते हैं आनुश्रविक उपाय। तो इन आनुश्रविक उपायों को करने से भी आपको आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं होती। इन आनुश्रविक उपायों में ज्ञान को अलग रखना, क्योंकि ज्ञान को यहाँ लिया नहीं है। जैसे प्रत्यक्ष में उपाय है उनके जैसे जो याग आदि करने का उपाय यहाँ लिया गया है, क्योंकि आनुश्रविक उपाय में यदि ज्ञान को भी लेंगे तो ज्ञान से तो मुक्ति होती है, तो इसीलिए ज्ञान को छोड़ के बाकी समझना जो सामान्य में होता है उससे भी नहीं होता है, उसके पीछे भी नहीं जाना चाहिए। क्यों, कारण क्या है? बोलते हैं सही अविशुद्धि क्षय अधिशय युक्त। उसमें तीन कारण बता रहे हैं। एक तो वो अविशुद्धि है, पूर्णतया वो विशुद्ध नहीं है, कुछ पाप है, कलंक है। और क्षय वो नष्ट होता है, क्योंकि यद यद कृतकम तत् तत् नश्यम, नष्ट होता है। और अधिशय युक्त, अधिशय भी होता है, एक से एक बड़ा होता है। कोई स्वर्ग जाने के लिए कर्म किया, इंद्र बनने के लिए कर्म किया, जब इंद्र बनकर के वहां जाने से पता चलता है उससे भी बढ़िया और लोग हैं, प्रजापति लोग हैं, विष्णु लोग हैं, बहुत आगे आगे लोग हैं, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो जब हम जिसको प्राप्त किया उससे भी अतिरिक्त हमारे सामने है तो हमें दुख होता है, तृप्ति, आत्यंतिक तृप्ति नहीं होती है। इसीलिए अधिशय से भी वो नष्ट मानना चाहिए। और विशुद्धि पूर्णतया पुण्य नहीं है, उसमें जो भी पुण्य कर्म आप करेंगे ना, यज्ञ याग आदि पुण्य कर्म करेंगे, उसके साथ थोड़ा पाप भी होता है, क्योंकि आप जिस यज्ञ को संपन्न करेंगे उसमें जो सामग्री आप एकत्रित करेंगे वो सामग्री अन्य प्राणियों को द्वेष किए बिना, अन्य प्राणियों को माने हिंसा किए बिना करना संभव नहीं है। कि जो लकड़ी आदि लाएंगे उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े आदि रहते हैं वो उसमें जल जाते हैं, और जो भी द्रव्य आप डालते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार से वहाँ होता ही है। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्योपार्जुन, सीधा उन्होंने सारा सम्मिलित करके बता दिया कि ये वेद में जो जो कहा हुआ, जो आसक्त काम्य कर्म जितने भी है ना, वो सारे त्रैगुण्य के विषय में है, कि तुमको निस्त्रैगुण्य बनना है। तो ये सांख्य के सिद्धांत को भगवान ने बहुत जगह लिया है। तो ऐसा ही अविशुद्धि, ये विशुद्धि नहीं है, विशुद्ध मन शुद्ध पुण्य वहां नहीं है। और क्षय तो होता ही है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति प्रवाहे दया दृढ़ा यज्ञ रूपा, ये भी कहा कि ये अदृढ़ है, ये कभी भी टूट सकते हैं, खत्म हो जाता है। तो पूरा जिंदगी भर ऐसा कर्म किया जिसको करने से स्वर्ग में गया, किंतु वहां से ऐसे गिरा दिया, ठीणे बुंडे मरते लोगों के। तो ये वैराग्य के लिए कहा गया। इसलिए क्या करना चाहिए कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति के लिए इन कर्मों के पीछे नहीं जाना चाहिए, इसलिए कर्मों से भी विरक्त होगा। निर्वेदम आयात नास्त्य कृतक देना कामान यक कामयदे मन्यमान स काम भिर जायदे तत्र तत्र। ये कामनाओं से यदि कोई भी कर्म करते हैं उसका फल भी ऐसा ही होता है, इसलिए तत्र तत्र जायते, बार बार उसको जन्म लेना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का आप जन्म लेंगे वो एक न एक दिन नष्ट होगा, इसलिए इसको छोड़ देना, इससे विरक्त हो जाना। फिर क्या करना है, तद विपरीत श्रेयान। अभी वो मार्ग के विचार करते समय, दुख निवृत्ति को उपाय करते समय यही श्रेय लगता है, यही श्रेष्ठतर लगता है। क्या ये तद विपरीत, ये दृष्ट और आनुश्रविक विषय से विपरीत मतलब अलग कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। दृष्ट यह तत् शब्द से दोनों को लेना, दृष्ट और आनुश्रविक। दृष्ट को पहले कहा गया प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और ये आनुश्रविक दोनों उपाय को छोड़ करके कोई और उपाय से हम कर सकते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति कर सकते हैं। और वो उपाय क्या है, तो बोलते व्यक्त अव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। व्यक्तम च व्यक्तश्च
अव्यक्तश्च ञश्च ऐसे समास करके तद विज्ञाना तेषां विज्ञानादि करना। व्यक्तश्च अव्यक्तश्च ञश्च व्यक्ताव्यक्तज्ञाः तेषां विज्ञाना। ये तीनों का ज्ञान चाहिए, व्यक्त का ज्ञान चाहिए, अव्यक्त का ज्ञान चाहिए और ज्ञः ज्ञः माने पुरुष का ज्ञान चाहिए। व्यक्त क्या है? कार्य है। जो जो कार्य हुआ सारे कार्य विकारों का ज्ञान चाहिए, क्योंकि विकारों के द्वारा ही हमको सुख दुख होता है, सीधा संपर्क हमारा विकार के साथ होता है। इसलिए विकारों का सही ज्ञान चाहिए, व्यक्तों का ज्ञान और अव्यक्त का ज्ञान चाहिए। अव्यक्त माने ये विकारों का कारण क्या है, व्यक्त का कारण अव्यक्त होता है। जैसा घड़ पदार्थ है ये व्यक्त है और मृत्तिका उसका कारण है अव्यक्त है। तो कंपैरेटिवली जो व्यक्त और अव्यक्त में व्यापकता और परिच्छिन्नता रहती है, जो जो कार्य होता है वो परिच्छिन्न होता है और जो जो कारण होता है वो व्यापक होता है। इस प्रकार से व्यक्त और अव्यक्त का ज्ञान चाहिए। इसमें अव्यक्त शब्द से प्रकृति आ जाएगी, अव्यक्त है महत्तत्व, ये सब आ जाएगा। तो प्रकृति का ज्ञान चाहिए और कार्य का भी ज्ञान चाहिए, साथ में न्यहा, न्यहा माने पुरुष। ये पुरुष शब्द से यहाँ चैतन्य मात्र को कहते हैं कि इनके मुख्य पुरुष की व्याख्या चेतन रूप से है। ये भी आगे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा 18वें कार्य में, 19वां कार्य में सब पुरुष के लक्षण के बारे में विचार करेगा। तो यहाँ तीन का ज्ञान चाहिए, कार्य का, कारण का और पुरुष का। इन तीनों का ज्ञान चाहिए, इन तीनों का ज्ञान से ही आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसीलिए उनको ज्ञान उनका प्राप्त करना जरूरी है, ये कह रहे हैं। ये दोनों जो है श्लोक मतलब एक प्रकार को उपोद्घात के रूप में हो गया कि ये सांख्य शास्त्र प्रवृत्त क्यों होता है और सांख्य शास्त्र की आवश्यकता क्या है, ये दोनों बताया। सांख्य शास्त्र प्रवृत्ति इसलिए होता है कि दुख त्रय को निवारण करने की जिज्ञासा होती है और इसकी आवश्यकता है ये है कि ये दृष्ट आनुश्रविक विषय से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती है, व्यक्ता अव्यक्त ज्ञ विज्ञानाद इससे ही दुख की निवृत्ति हो सकती है। इसीलिए हमको अभी कुल मिला के उपायों में क्या जानना है, व्यक्त को अव्यक्त को ज्ञ को जानना है, तीनों को पुरुष को जानना है। अब इनके विषय में कहते हैं ये सामान्य रूप से ये तीन कौन कौन है कहेंगे। पहले कारिका में ये पदार्थ संग्रहक कारिका है, ये तीसरी कारिका कि सांगे के जितने पदार्थ है उनको यहां दिखाया गया। तीसरी कारिका देखिए, मूल प्रकृतिर्विकृतिर् महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त। मूल प्रकृतिर्विकृतिर्महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त। षोडशगस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिर्पुरुषः। षोडशगस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिर्पुरुषः। ये श्लोक है, इसको याद कर लेना चाहिए जिनको जैसा जैसा हो। ये मुख्य श्लोक है कि जैसा आप भाष्य आगे पढ़ेंगे तो सब जगह इसका उदाहरण आएगा और सारे पदार्थ का ये संग्रह किया है। तो मूल प्रकृति ही अविकृति ही, ये श्लोक का अन्वय तो सरल है, मूल प्रकृति ही अविकृति ही महदाद्या सप्त प्रकृति विकृतयः। षोडशकः विकारः तु पुरुषः न प्रकृति ही न विकृति, ऐसा ही इसका अन्वय है।
तो मूल प्रकृति ही, मूल प्रकृति अविकृति होते हैं। विकृति का अर्थ है जिसमें कोई विकार हो गया कार्य, कोई परिणाम हो गया उसको विकृति कहते हैं। ये सांख्य परिणामवादी है, वो अविकृति होता है। प्रकृति किसी का कार्य नहीं होता, इसलिए प्रकृति को अविकृति कहा। इसके लिए एक सांख्य सूत्र भी है। क्या सूत्र है? मूले मूलाभावाद अमूलम, ऐसे सांख्य सूत्र है। मूले मूलाभावाद अमूलम, इसलिए इसको मूल प्रकृति कहा जाता है। मूल करने पर मूल का और कोई मूल नहीं है, इसलिए वो अमूल होता है। मूले मूलाभावाद अमूलम, तो मूल प्रकृति किसी का कार्य नहीं होते हैं, एक हो गया। फिर उससे निकलने वाले महदाद्याः प्रकृति विकृतय सप्त, उससे सात निकलते हैं, वो महदादि उसको कहे जाते हैं। महत तत्व से लेकर के आता है, तो महत तत्व है अहंकार है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तन्मात्र है। तो ये महत तत्व अहंकार शब्द रूपादि जो तन्मात्राएं हैं, ये सात जो है प्रकृति विकृतयः, ये प्रकृति भी है विकृति भी है। इसका मतलब ये स्वयं कार्य भी है और एक कारण भी होता है, और किसी का कारण भी होता है ना। ये बताएंगे आगे। महदादि जो सात है ये प्रकृति भी है, कारण कारण भी है, उससे कुछ कार्य निकलता है और स्वयं कार्य भी है, क्योंकि ये तो प्रकृति से निकला। प्रकृति से निकलने के कारण महत्तत्व भी कार्य है, और महत्तत्व से निकलने के कारण अहंकार भी कार्य है, और अहंकार से निकलने का कारण पंच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राएं, ये कार्य हो गया। और इनसे कुछ कार्य और निकलता है, इसलिए ये कारण है। क्योंकि महत्तत्व से अहंकार निकलता है तो अहंकार का कारण कौन हो गया? महत्तत्व हो गया, इसलिए महत्तत्व कारण हो गया। और अहंकार से पंच तन्मात्राएं निकलती है, इसलिए अहंकार उसका कारण हो गया, तो कारणत्व उसमें आ गया। पंच तन्मात्राओं से आगे कहेंगे पंचभूत निकलते हैं, तो पंचभूत निकलने के कारण ये पंच तन्मात्राएं उसके कारण हो गए, इसलिए कारणत्व कार्यत्व दोनों इन सात में आ गया। किन किन में? महत्तत्व अहंकार और पंच तन्मात्राओं। और षोडशकस्तु विकारः, बोलते हैं ये और जो सोलह है ये विकार है, इनसे कुछ निकलता नहीं, केवल कार्य रहते हैं ये सोलह। ये क्या क्या है? ये तो ज्ञानेन्द्रिय पंचक और कर्मेंद्रिय पंचक और भूत पंचक और मन, ये सोलह हो गया। तो ज्ञानेन्द्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक और भूत पंचक और मन, इसका मतलब ग्यारह इंद्रियां और पांच भूत, ये केवल विकार ही है, इससे कोई और उत्पत्ति नहीं होती है। ये पंचभूतों से पांच भौतिक की उत्पत्ति होती है, किंतु इनके हिसाब से वो उत्पत्ति कुछ अलग प्रकार से है, वो मिला करके वो अपने रूप में रहते हुए ही उत्पन्न करते हैं। और इंद्रियां से ज्ञानेन्द्रिय से कोई और प्रोडक्शन उससे कुछ होता नहीं, कर्मेंद्रिय से भी कोई और उत्पन्न नहीं होता, मन से कोई और विकार उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए ये हो गया। वेदांत सिद्धांत के अनुसार पंजीकृत पंच महाभूत से उत्पत्ति होती है, फिर पांच भौतिक उत्पत्ति अलग माने, इनके यहां पंजीकरण प्रक्रिया नहीं है, ये पंचभूत का सम्मिलन को ही उत्पत्ति मानते हैं, ये आगे आपको बताएंगे विस्तार से। इसीलिए ये केवल षोडश विकार, ये विकार मात्र है। फिर कहते हैं न प्रकृतिर न विकृति पुरुष, पुरुष प्रकृति भी नहीं है विकृति भी नहीं है। इस प्रकार इस कारिका में इनका जो तत्व है पदार्थ उनकी गणना हो गई, 25 तत्वों के साथ ये गणना हो गई कि एक तो प्रकृति है और उससे सात बना प्रकृति विकृतयः, और 16 जो है विकार है,
और न प्रकृति न विकृति पुरुषा। ये पुरुष को ऐसा रखा है वेदांत में, पुरुष को अभिन्न निमित्त उपादान कारण रूप से सोबाधिक ईश्वर को ला करके सृष्टि का सब कारण उसी में कर दिया। सांख्य ऐसा नहीं मानते हैं, सांख्य पुरुष को न कारण मानते हैं न कार्य मानते हैं। पुरुष से न कुछ उत्पन्न होता है न कुछ, वो किसी का कारण भी नहीं कार्य भी नहीं, और वो निश्चेष्ट रहता है, शुद्ध रूप में रहता है। जो वेदांत में निर्विशेष ब्रह्म के लक्षण जो कहते हैं वही इनका पुरुष का चित्त का लक्षण है, चित्त पुरुष का लक्षण है। बाकी जो बुद्धि के साथ संबंध करके जो जन्मादि लेते हैं वो आगे बताएंगे, उसमें तो वो जन्मादि विकार आता है, लेकिन न प्रकृति न विकृति पुरुष है, इसमें कोई विकार ये होता नहीं। तो ये लक्षण से अलग होता है, उन्होंने उस दोनों को अलग करके स्पष्ट रूप से नहीं कहा ये जीव अलग है या शुद्ध, ऐसा नहीं कहा, किंतु लक्षण से आपको मालूम होगा कि इसमें कोई विकार संभव नहीं है। तो जब विकार संभव नहीं है तो जन्मादि विकार किसको होगा, तो उसको बीच में कुछ रखना पड़ेगा, तो वो बीच में जिसको रखा है वही यहाँ जीव रूप से पुरुष रूप से, उसी को भी पुरुष ही कहते हैं, तो अनेक पुरुष उसको बताएंगे। तो यह केवल इसकी गणना हो गई। इसमें जो जो लक्षण है, ये पहले प्रकृति का लक्षण क्या कहा है, तो प्रकृति का लक्षण में ये यहाँ लिखिए सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। प्रकृति का लक्षण है सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। ये लक्षण को शंकराचार्य जी लिए हैं, ब्रह्मसूत्र भाष्य में आया सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। एक प्रकृति शब्द का अर्थ यही है, ये सांख्य के प्रकृति का लक्षण ये है। और सामान्य और एक अर्थ इसका बता सकते हैं, अजन्यत्वे सति जनकत्वं प्रकृतिस्त्वं। अजन्यत्वे सति जनकत्वं प्रकृतित्वं। जो स्वयं जन्य नहीं होता हुआ दूसरे का जनक बना है वो प्रकृति है, ये लक्षण भी वहां जाएगा, किंतु ये लक्षण महदादि में नहीं जाएगा। महदादि में जाने के लिए और एक लक्षण चाहिए, वो है तत्वांदरोत्पादनत्वम। तत्वांदरोत्पादनत्वम प्रकृतित्वम। तत्वांदरोत्पादनत्वम प्रकृतित्वम, तत्वांदर की उत्पाद करना, ये प्रकृति का लक्षण हो गया। अब ये जो पदार्थों को गिनाया है, इन पदार्थों को हम कहते हैं ज्ञेय। ये पदार्थ हमारा प्रमेय है। प्रमेय का अर्थ प्रमाण के द्वारा जो जाना जाता है उनको प्रमेय कहते हैं। ये जो तत्व बताए हैं पंचविंशति तत्व, ये पंचविंशति तत्व अभी हमारा प्रमेय बन गया। ये सारे कारिका में अंत तक इसी की व्याख्या करेंगे, और इसके द्वारा होने वाले जो प्राप्ति है, उसके विवेक से होने वाले जो प्राप्ति है वो अंत में निर्णय करके बताएंगे, जो मोक्ष होगा जीवन मुक्ति अवस्था जो होगा वो बताएंगे। तो ये प्रमेय बन गया, इन प्रमेयों को जानने के लिए हमको प्रमाण चाहिए। प्रमाण से ही हम प्रमेय को जान सकते, प्रमाण हमारे पास नहीं है तो प्रमेय नहीं होता। तो प्रमाण क्या होता है, पहले प्रमाण को समझना पड़ेगा। प्रमाण क्या है, जिससे प्रमेय की सिद्धि होती है, प्रमाण है, है? वो प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण है वो प्रमाण होता है। प्रमा मने यथार्थ ज्ञानम प्रमा, यथार्थ ज्ञान होता है प्रमा। और तत्करणम, वो प्रमा के द्वारा जो प्राप्य होगा वो उसका कारण होगा। नहीं, प्रमा को प्राप्त करने के लिए जो कारण है वो अन्य प्रकार से नहीं होता है, वो प्रमाकरण हो गया। हाँ, वो इस प्रकार से असाधारणम कारणम करणम आ गया। तो असाधारणम कारणम करणम, ये लक्षण है। तो प्रमेय हमारे पास आ गया,
तो प्रमाण के द्वारा जाना है, उस जानना है उसको, तो प्रमाण होता है प्रमाकरणम, प्रमा का कारण, कारण मतलब असाधारणम कारण, जिस असाधारण कारण से हम प्रमेय को जान सकते हैं वो होगा प्रमाण। ये लक्षण याद रखना है। अब जो कारण प्रमाण हम रूप प्रमाण को लिया है ना, ये कारण रूप प्रमाण सही है गलत है इसको निश्चय करना पड़ेगा। कभी कभी हम जिस प्रमाण को जाना है वो सही नहीं होते हैं, हम अभी भी बहुत कुछ जान रहे हैं, निरंतर हमको ज्ञान होता रहता है, और ज्ञान होता है तो उसमें कोई हमारा संशय भी नहीं होता है, सही ज्ञान होता है। किंतु ये सारा ज्ञान सही है या गलत है कैसे जाना जा सकता है, उसके लिए प्रमाण का पहले शोधन होना चाहिए, प्रमाण शोधनम चाहिए, प्रमाण को शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे आप आंख से कोई विषय को जान रहे हैं तो आंख आपका प्रमाण हो गया उस विषय के रूप ज्ञान के लिए, रूप ज्ञान के लिए आंख प्रमाण है। अब आंख में कुछ दोष है तो आपका रूप ज्ञान सही नहीं हो पाएगा। तो आंख में दोष रखता हुआ आपने जिस रूप ज्ञान को प्राप्त किया वो रूप ज्ञान गलत होगा, किंतु आपके बुद्धि में क्या रहेगा, वो सही है ऐसा रहेगा। आंख में पीलिया से पीला हो गया, पीला दिखाई पड़ता है, वो सफेद कपड़े को देख करके कहता है पीला कपड़ा है, किंतु वो ज्ञान उसके लिए सही होता है। इसी प्रकार हमारा एक कारण मन भी है, बुद्धि भी है, अंतकरण भी है ना, अंतकरण में भी बहुत कुछ मालिन्य है, इसीलिए बोलते हैं अंतकरण शुद्ध करो, अंतकरण शुद्ध करो, ये बोलते रहते हैं ना। अंतकरण शुद्ध नहीं होने से आप उस अंतकरण से जो जो आपको दिखाई पड़ता है वो सब अशुद्ध होता है, शुद्ध नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए अंतकरण को शोधन करना है। अंतकरण ऐसा एक कारण है जो हमारे हाथ में नहीं है, दवाई डाल करके शोधन नहीं कर सकता। वह आंख में कुछ बीमारी आ गया, दवाई डाल करके शोधन कर सकता है, और हाथ पैर आदि में तो फिर जो है व्यायाम आदि करके कुछ कर सकता है, कुछ दवाई दवाई हो सकती है, किंतु अंतकरण की दवाई क्या है ये देखना पड़ेगा, इसको शुद्धिकरण करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए साधन चाहिए, जब तब ये नियम ये सब पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के अंतकरण शुद्ध हो। हमारे यहाँ विषय है कि ये जिन 25 तत्वों को गिनाया तीसरे श्लोक में, इन तत्वों को जानने के लिए प्रमाण चाहिए, और वो प्रमाण प्रमाकरण होना चाहिए, माने यथार्थ ज्ञान का करण होना चाहिए। तो यथार्थ ज्ञान का करण के लिए आपने, सांख्य से पूछते हैं कि आपने यथार्थ ज्ञान के लिए क्या क्या करण माना है, यथार्थ ज्ञान किन से होता है। अलग अलग वादियों ने अलग अलग प्रमाण को माना है, तो इनका अपना प्रमाण बताते हैं, क्योंकि प्रमाणाधि प्रमेय सिद्धि, प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होगी, उसके बिना नहीं होगा, इसलिए प्रमेय की सिद्धि के लिए प्रमा को बता, प्रमा प्राप्त करने के लिए प्रमाण को बताते, प्रमाण के लिए यह कारिका है। दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाण सिद्धत्वात् दृष्टमनुमानमाप्तवचनं सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि। त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च, कहते हैं हमारे पास ज्यादा प्रमाण नहीं है, तीन ही है, आपको सरलता से ज्ञान होगा इससे। दृष्टम, दृष्टम माने प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष जो इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष ज्ञान जिससे होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, इंद्रिय और अर्थ उसके सान्निध्य से जो ज्ञान होगा
इंद्रिय और अर्थ मिल जाने से, संबंध करने से जो ज्ञान हो। यह तो बहुत सरल है, किंतु ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का ज्ञान में ही सब कुछ बैठा हुआ है। अभी आगे आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे कैसे